हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर आप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो मिड अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक निफ्टी में हमें शानदार रैली देखने को मिली और कंटिन्यूअसली निफ्टी ने नए हाइट्स को टच किया और इस दौरान निफ्टी ने करीब 3000 पॉइंट्स को गेन कर दिया और 18500 के टॉप को बनाया। लेकिन पिछले 8-9 दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है और निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट्स लूज कर दिए और सिर्फ आज ही अगर आप देखें तो 350 पॉइंट्स निफ्टी ने लूज कर दिए और बैंक निफ्टी ने करीब 1365 पॉइंट्स लूज कर दिए। और पिछले 8-9 दिनों का अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो एक तरीके से वर्टिकल फॉल हमें दिखने को मिल रहा है और किसी तरीके की रिकवरी हमें नहीं दिख रही है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बाजार में हमें ट्रेंड रिवर्स हो गया और न्यू हाईस के बजाय अब वो लगातार गिर रहा है। तो इसके मुख्य 5 रीजंस हैं क्यों बाजार में गिरावट हो रही है और वो सारे रीजंस हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो पहला रीजन ये है कि अर्निंग सीजन, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एक Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और लगभग आधा सीजन पार हो गया है। तो अगर ये एनालिसिस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि अगर 225 कंपनीज का अगर हम कंबाइंड उनके प्रॉफिट्स को अगर ऐड करें तो उसमें 24% का ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर कंपनियां किस सेक्टर की हैं? ऑयल एंड गैस, मेटल्स और आईटी। तो ऑयल एंड गैस और मेटल्स कमोडिटी सेक्टर की कंपनियां होती हैं। तो इन जनरल अगर अभी देखें तो कमोडिटी प्राइजेस, ऑयल एंड गैस, क्रूड, ये सारा कुछ कमोडिटी प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं जिनकी वजह से इन कंपनीज को फ़ायदा हुआ। लेकिन इन तीनों सेक्टर के अलावा बाकी कंपनीज को अगर आप देखें तो उनके सेल्स वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है, जिसकी वजह से बाजार में नर्वसनेस देखने को मिल रही है। और अगर इस रिजल्ट सीजन में हम टॉप 22 कंपनीज को देखें तो उसमें से करीब 14% के मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि कंपनी के CEOs जो हैं अब बोलने लगे हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन पर हो रहा है। तो HUL के जो CEO हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि वो इन्फ्लेशन के फिगर को मॉनिटर करें और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। और ये जो इम्पैक्ट हो रहा है वो सिर्फ FMCG कंपनीज में ही नहीं, ये इम्पैक्ट्स अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हो रहा है। और देखिए, एशियन पेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उन्होंने अपने प्राइजेस बढ़ाए, हैवेल्स ने भी बोला है कि कमोडिटी प्राइजेस में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है तो वो काफ़ी वॉलेटिलिटी उनके मार्केट में और प्राइजेस में क्रिएट करेगी। तो चाहे HUL हो, हैवेल्स हो, एशियन पेंट हो, ये सारी लीडिंग कंपनीज ने कंसर्न रेज किया है और ये सारा एक तरीके का वार्निंग साइन है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स घटेंगे, उनके मार्जिन्स प्रेशर पे आएंगे, उनके सेल्स गिरेंगे, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे और इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और साथ में इंटरेस्ट रेट का बढ़ने का खतरा तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने कुछ वीडियोज़ में शेयर किया था कि चिप, इलेक्ट्रॉनिक चिप की क्राइसिस हो रही है और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है कार मैन्युफैक्चरर्स को हो रहा है। अभी रिसेंटली ही जो चिप मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, इंटेल और क्वालकॉम, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो कमी है ये जेन्युइन कमी है और इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है और ये कमी 2 साल तक रह सकती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कार्स के प्रोडक्शन पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा जो रीजन है क्यों बाजार गिर रहा है, उसकी रीजन ये है कि FIIs DIIs दोनों एक साथ सेलिंग कर रहे हैं। अब तक दोस्तों ये होता था कि एक पार्टी बायर बनी रहती थी, एक सेलर बनी रहती थी, तो थोड़ी बहुत बाजार गिरावट होने के बाद संभल जाता था और नए हाइस को टच कर जाता था। लेकिन अक्टूबर में हम ये ट्रेंड होता नहीं देख रहे हैं और दोनों सेलर बन गए हैं। अगर आप पिछले 5 दिनों का ही डेटा देखें तो FIIs ने 10,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है और उनके टॉप जो सेलिंग सेक्टर है वो है IT। और वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं, रीजन भी वही है जो मैंने आपको बताया कि उनको अब वैल्यूएशंस का कंसर्न लग रहा है कि यार इतने हाई वैल्यूएशन में हम स्टॉक्स को क्यों खरीदें। तीसरा कारण जो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों अगर आप पिछले 4-5 दिनों का ट्रेंड देखें तो उसमें जो है
बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आउट परफॉर्म कर रहा था, और आईसीआईसीआई बैंक में हमें 10% का अपर सर्किट भी देखने को मिला। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि बैंकों में गिरावट शुरू हो गई और वो निफ्टी से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो उसका रीजन ये था कि देखिए रिजल्ट्स बैंक के आ चुके हैं, रिजल्ट आने से पहले मार्केट को पता था कि बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी बैंक का रिजल्ट उठा के देख लीजिए उनमें के प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं, एक्सिस बैंक के प्रॉफिट में 86% का ग्रोथ देखने को मिला। फिर क्यों दो दिन से एक्सिस बैंक 10-12% गिर चुका है? उसका रीजन ये है कि ये तो मार्केट को पता था कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, प्रॉफिट्स में ग्रोथ होगा, लेकिन जब रिजल्ट्स को बारीकी से देखा तो ज्यादातर बैंकों के जो कोर बैंकिंग बिजनेस है उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही है। जैसे तैसे उन्होंने प्रॉफिट्स तो बना लिए, रेवेन्यू बढ़ा लिए, लेकिन जो उनका कोर बिजनेस है उसमें उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिख रही है, और ऑलरेडी वो प्रेशर में आ गया है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में अगर आप देखिए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक की पैरामीटर होता है बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने का। तो यही कारण है कि सडनली बैंक और बैंक निफ्टी में यू टर्न ले लिया है मार्केट ने और प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर शुरू हो गया है। अगला रीजन जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है वो ये है कि रेटिंग एजेंसीज भी अब नर्वस हो रहे हैं। तो नोमुरा ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है, और यूबीएस ने, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपके बताया, इंडियन मार्केट्स को उन्होंने एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टैग कर दिया है। और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अब डाउट हो रहा है कि जिस तरीके से की वैल्यू और इतने हाई पीस पर इंडियन स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस तरीके की उन्होंने Q2 में रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं उसमें मिसमैच है, तो इससे ज्यादा वैल्यू इन स्टॉक्स को देना रिस्की जोन में आने के तरह होगा। और एक और रीजन जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है वो है आने वाले आईपीओस। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि 56,000 करोड़ के आईपीओस बाजार में आने वाले हैं, तो इतने पैसा जो इन आईपीओस में जाएगा, और ध्यान रहे कि हर आईपीओ 10 times 12 times 15 times 20 times ओवर सब्सक्राइब होता है, तो इतना सारा पैसा इन आईपीओस को सक्सेस करने के लिए चाहिए, तो वो पैसा कहां से निकलेगा? तो इसकी वजह से भी सेकेंडरी मार्केट्स पर प्रेशर होगा। जो लोग इन आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होगा तो वो उसे सेल करके प्रॉफिट बुक करके कैश लेकर उसमें से 1% इन आईपीओस में लगाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो आगे का रास्ता जो है हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो आगे के मार्केट के डायरेक्शन को तय करेंगे, और टेक्निकल रीजंस क्या क्या हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल रीजंस की बात करें तो आज ही यूएसए का एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा आने वाला है, जीडीपी का, Q3 के जीडीपी का डेटा। ऑलरेडी कई एनालिस्ट ने कंसर्न रेज कर दिया है कि ग्लोबल ग्रोथ और यूएसए में फर्दर ग्रोथ के चांसेस कम हैं, और यही कारण है कि कल भी डाउ जोन्स थोड़ा प्रेशर में रहा और आज भी इंडियन मार्केट्स उसके एंटिसिपेशन में थोड़े ज़्यादा गिरे। तो ये डेटा जो है आगे के मार्केट को शॉर्ट टर्म में एक डायरेक्शन देगा। इसके साथ ही एक और क्रिटिकल डेटा जो है आने वाला है, अगले हफ्ते फेड की मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते, जिसमें जो उनके बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उस पर डिस्कशन होगा, तो वो भी एक सर पे मार्केट के एक तलवार लटकी हुई है जिसकी वजह से लोग थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। अब आइए थोड़ा टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी 20-day मूविंग एवरेज के को तोड़ने के कगार पर आ गया है निफ्टी, और अब अगर ये टूटता है तो इन जनरल कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब भी टूटता है तो उसका एक बाउंस बैक भी हमें देखने को मिलता है। अगर वो बाउंस बैक नहीं मिलता है अगले एक दो दिन में तो फिर एक बड़ी गिरावट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलहाल अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, डेटा पॉइंट्स को देखें, ऑप्शंस के इंडिकेटर्स को देखें तो बड़ी गिरावट के चांस नहीं दिख रहे हैं, और निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है आज की जो जीडीपी का डेटा और अगले हफ्ते का जो फेड का जो अनाउंसमेंट होती है ड्यू टू फॉर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, वही आगे के मार्केट को के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। फिलहाल
ट्रेड के लिए हमारी यही सजेशन है कि कल 11 बजे तक ट्रेड ना बनाए, क्योंकि नई सीरीज शुरू होने वाली है और आज का यूएसए का डेटा का क्या इम्पैक्ट होता है, तो एक डेढ़ घंटा हम बाज़ार को देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आगे बाज़ार क्या डायरेक्शन लेने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज हम बुल ट्रैक बोलो के सेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज हो बुल ट्रैक बोलो हैशटैग के साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करें और हम ज़रूर अगले एपिसोड्स में आपकी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ही आप में से कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ।